गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको मेरा ये लुक दिख रहा होगा। आज मैं बताने वाली हूँ आपको विदाउट आईब्रो बोल्ड आई मेकअप लुक, तो किस तरीके से क्रिएट किया सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा हेडसेव वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी चेक कर लीजिएगा। और हेडसेव वाला आईब्रो में कट कैसे डालते हैं सब कुछ वीडियो मैंने डाली हुई है, इससे जस्ट पहले वाली है, तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और भी लोगों को मेरे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से जुड़िएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को और सीखने को मिल जाए। तो बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बटन क्लिक करते ही छोटा सा बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो नई वीडियो अपलोड हो तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन स्क्रीन पर सबसे पहले बज जाए। टन 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 टन, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा अच्छे से सीखने के लिए। तो गाइस, कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा, विदाउट आईब्रो का मेकअप लुक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से करना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने पहले अपनी स्किन को क्लींजिंग किया है, फिर मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने फ्रूट का क्रीम लिया था। उसके बाद प्राइमर लगाना है, बिना प्राइमर के मेकअप स्टार्ट नहीं करना है। बिना प्राइमर के कोई भी मेकअप नहीं करना चाहिए। बिना प्राइमर के मेकअप करने से मेकअप पैचेस और केकी दिखने लग जाते हैं, जबकि बाद में अजीब पैचेस से पड़ जाते हैं और अच्छा मेकअप नहीं आता है। इसलिए जब भी आपको मेकअप करना हो तो आपको उसकी स्किन को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद से मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है कोई भी, और उसके बाद से आपको प्राइमर लगाना है, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है। तो मैंने उतना कर लिया था। उसके बाद से मैंने यहाँ पे मैक का फाउंडेशन लगाया है। मैक का फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग के लिए अपने हाथों का ही उपयोग कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर किसी भी चीज़ से आप ब्लेंड कर सकते हो अपने मेकअप को। तो अच्छे से ब्लेंड होने के बाद से मुझे बालों से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो बालों को मैं ऊपर क्लच कर लेती हूँ। ओके, तो ये क्लचर लगाने के बाद से अभी मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप के लिए कंसीलर पहले लगाएंगे आँखों पे, आई बेस रेडी करने के लिए कंसीलर बहुत ज़रूरी है आई मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं, ये देखिए HD का मैंने कंसीलर मंगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। मैंने यहाँ पे HD का कंसीलर नहीं लगाया है, ये मैं ब्राइडल वगैरह पे यूज़ करती हूँ, खुद पे भी यूज़ करती हूँ कहीं जाना हो तो। लेकिन जैसे अब आज का वीडियो मैं सिर्फ शूट ऐसे ही शूट कर रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, आप लोग को सिखाने के लिए। लेकिन आप लोग को मेकअप करना हो तो अच्छे ब्रांड का ही NY का ले सकते हो, मैक का भी बहुत बढ़िया है, लैक्मे का भी अच्छा है, और ये HD कंसीलर तो अच्छा ही होता है। तो आप कोई सा भी कंसीलर ये ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का कंसीलर लिया था, उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, और उसके बाद से मैं पिंक कलर का शेड लेके आईब्रो अभी मेरा अच्छे से नहीं छिपा है, मैं वीडियो के एंड में आईब्रो को कैसे छिपाना है वो मैं दिखाऊंगी। तो पिंक कलर का आई शेडो मैंने अपने क्रीच एरिया पे अप्लाई किया है, देन उसके नीचे लाइट ब्लू कलर का आई शेडो अप्लाई किया है, फिर उसके नीचे मैं गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी। तीनों आई शेडो को इस तरीके से अप्लाई कर लेना है दोनों आईज पे। ओके, और फिर आईज के फ्रंट कॉर्नर पर मैं सिल्वर कलर का आई शेडो लेके अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरीके से आपको दूसरी आईज पे भी अप्लाई करना है, फिर फ्रंट कॉर्नर पे सिल्वर कलर का आई शेडो लेके कुछ इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। और लो वाटर लाइन पे भी आपको, जो आपने क्रीच एरिया पे पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई किया था, वही आई शेडो आपको लो वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर लेना है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आप कॉम्पैक्ट पाउडर से ब्रश की मदद से हटा दीजिए, उसके बाद से आप कंसीलर को इस तरीके से कुछ करोगे तो अच्छी सी लाइन बन जाएगी और आपका मेकअप भी अच्छा दिखेगा। आई मेकअप नोज पे कंसीलर, फोरहेड पे, अपर लिप्स पे आप अप्लाई कर लेना, थोड़ा सा हाईलाइट्स पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे मेकअप फेस का मेकअप नहीं बता रही हूँ, ओनली विदाउट आईब्रो बोल्ड आई मेकअप लुक बताऊँगी। इस तरीके से आपको आईलाइनर लगाना है। ओके, ऊपर से तो जो आपने गोल्डन कलर का आई शेडो लगाया था जस्ट उसके कट लाइन से आपको आईलाइनर अप्लाई कर देना है, और नीचे भी इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। ओके, दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है, फिर लो वाटर लाइन पे भी आईलाइनर अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे ADS का काजल लूँगी, काजल बहुत ही अच्छा होता है ADS का, और आईज के फ्रंट कॉर्नर से थोड़ा सा आईलाइनर इस तरीके से कुछ निकाल लेना है ताकि अच्छा लुक आ जाए आईज का। ओके,
दोनों आइज पे सेम इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हो मैं कहाँ से कैसे अप्लाई कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद से काजल अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन कलर का आई शेडो लेके आईलाइनर के बीच में इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए ताकि अच्छा सा लुक आ जाए आईज का। ओके, तो ये मेरा आई मेकअप। अभी मैं हम लोग यहाँ पे आई लेसेज लगा देंगे, थोड़ा सा मैं कलर डार्क कर ले रही हूँ और जो जो कलर अप्लाई किए थे उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेंगे। और सिल्वर कलर का फ्रंट कॉर्नर पे आपको आई शेडो अप्लाई कर देना है और हाइलाइटर आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। और अभी चलते हैं, आईब्रो छिपाने की बारी आएगी। पहले मैंने स्टार्टिंग में छिपाई थी बट अच्छे से नहीं छिपी, तो मैं आपको अच्छा सा तरीका बता देती हूँ आईब्रो को हाइड करने के लिए। मेकअप के जरिए आप आईब्रो को कैसे हाइड कर सकते हैं, तो लोअर लाइन पे मैंने इस तरीके से एडीएस का काजल लगा दिया है, मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई है और ये आईब्रो के साथ का लुक है। विदाउट आईब्रो का लुक मैं बताती हूँ अभी वीडियो के एंड में। तो चलते हैं अभी, जो आपने आईब्रो पे जो भी एक्स्ट्रा कंसीलर वगैरह लगाया था उसको रिमूव कर दीजिए। मेकअप रिमूव के लिए, रिमूवर के लिए वैसलीन बहुत बेस्ट पार्ट है, वह बहुत ही ईजिली आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो वैसलीन लगा के। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज को पहले अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये तो आईब्रो के साथ का लुक हो गया, अभी चलते हैं आईब्रो को क्लीन करके उसको हटा दीजिए और आईब्रो को हाइड करते हैं। किस तरीके से करना है वो आप देख लीजिए वीडियो के वीडियो में। एक ग्लू जो आता है, ये वाली ग्लू, धीरे धीरे जा रहा है ये। कई बार मतलब सीरियल्स वगैरह में चाहे फिल्म वगैरह में ऐसे रोल्स करने पड़ जाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स की मेकअप चाहिए होती है, तो आपको मेरा वीडियो देख के ये सब सीखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो ये ग्लू को आपको अपने आईब्रोज पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है। ओके, और देन आपको लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर अपने स्किन से मैच होता हुआ, और कॉम्पैक्ट पाउडर को इस तरीके से स्पंज में लेना है और बस ग्लू पे चिपका देना है। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से मेरा ये आईब्रो छिप गया है। कितनी भी डार्क आईब्रो होगी आपकी छिप जाएगी, और आप चाहो तो इस पर टेप भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपको फिर भी आपका आईब्रो दिख रहा है तो आपको लेना है उसके बाद से ये ग्लू लगाने के बाद से थोड़ा सा फाउंडेशन या कंसीलर आप इसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हो, तो आपका अच्छे से पूरा आईब्रो जो है वो छिप जाएगा। तो ये पहले तो हमने यहाँ पे ग्लू के ऊपर ये पाउडर लगा दिया है। ओके, और देन फिर से कंसीलर लेना है और इसके ऊपर से अप्लाई कर देना है एकदम अच्छे से छिपाने के लिए। ये वाला तरीका बेस्ट रहेगा, टेप वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। उसके बाद से आपको दोबारा से पाउडर लेना है और एक बार और इसके ऊपर से अप्लाई कर देना है। तो ये अच्छे से पूरा छिप जाएगा आपका। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे आईब्रो पे करना है।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये है मेरा विदाउट आईब्रो मेकअप लुक। तो कैसी लग रही है गाइस? तो इस तरीके से मेकअप लुक आप भी ट्राई कर सकते हो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए सबसे पहले मैं लेकर आपको। बिंदी का तो थोड़ी और लग रही है अभी अभी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर। वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और भी लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़ेगा ताकि ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप लोग सीख पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू गाइस, ध्यान रखिए अपना।